पिछले जन्म में जो कर्म होते हैं अपने, तो इस जन्म से कुछ संबंध है क्या उसका? और जब आदमी असफल होता है तो सब बोलते हैं कि कर्म का फल है, तो ये बात कहां से है? ऐसा है कि मैंने ये एक छोटा सा गहर जिंदगी में हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि ये एक विज्ञान है। वो विज्ञान है कि एक छोटा सा ये जो एक कपड़ा है, ये छोटा सा एक धागा, इसका एक धागा, एक धागे का एक जो छोटा सा हिस्सा, सारे साइंटिस्ट मिलकर के उसको ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया के सब साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाए तो एक धागे को, इस कपड़े के धागे को खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, शून्य में असत में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, कोई ना कोई रिफॉर्म 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 उसमें से वो बदलता जाएगा, दूसरे में से तीसरे में से इसमें बदलता जाएगा, मिट नहीं सकता। तो निश्चित रूप से मैं ये जो अस्तित्व है, इस आकाश को मिटाया जा सकता है? आकाश को मिटाया जा सकता है? कौन सी चीज़ है जो मिटती है इस दुनिया में? कोई तो मिटती नहीं है। जब मिटती नहीं तो एक्शन के अनुसार ही क्या होता है? आज एक वृक्ष के, एक छोटे से फल के पेड़ के, एक छोटे से फल के बीज को आप खोल करके देख लीजिए, क्या दिखाई देगा आपको? बहुत छोटा सा एक जो राई भी बहुत बड़ी होती। कभी देखा आपने बड़े के पेड़ में जो फल होते हैं, एक फल का जो बीज कितना छोटा होता है, उसी छोटे बीज में क्या छुपा है? पूरा का पूरे वृक्ष का ब्लूप्रिंट उस दो परत के बीच में है। और वो तो जानने दीजिए आपके उस मोबाइल में कितना जीविका है और कितनी मेमोरी है उसमें, उस छोटी सी चीज में कितनी अनगिनत अनगिनत, पूरी की पूरी लाइब्रेरी आज उस छोटे से आपके कंप्यूटर। तो क्या इसको ख़त्म किया जा सकेगा? कोई भी चीज़ ये छोटे से बीच में जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे पूर्व जन्म का क्या है, वो जो भी कर्म है सब का सब इस बीज में आया है और ये बीज वृक्ष के रूप में बनता है। तो जो आम का टेस्ट होने वाला है, जो कलर लगना है, जो छिलका होना है, जो उसका पत्ता बनना है, वैसे के वैसे बनेगा। उसमें कभी गुठली बाहर में और रस अंदर में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पूर्व चल पूर्व कर्म के अनुसार नियोजित है सब कुछ। संसार कभी भी अन्यथा चलता नहीं है, अपने ही सब कर्मबद्ध पर्याय के अनुसार, एक पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय। एक जो कपड़ा है इसको आप अगर फाड़ेंगे तो कैसे फाड़ेंगे इसको? इसको अगर आपने फाड़ा तो पहला धागा, फिर दसवां धागा, फिर चालीसवां धागा, फिर तीसरा धागा, ऐसा होगा? एक की बात एक ही बात कर्मशः होता है। ये जो समय है वो कर्मशः है, आकाश के प्रदेश कर्मशः, इसमें कभी भी आगे पीछे नहीं होता। कभी कोई बूढ़ा पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर ऐसा फिर ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म है सब कोई सब का सब अंदर लेकर के चलता है, सबसे अंदर से लेकर के। पर फिर भी माली का काम भी है उसमें, बीज बीज का है लेकिन उसके साथ में वो जमीन है, प्रकृति है, उसके निमित्त है, उसके माली है, उसके संरक्षक है, ये सब के सब उसके साथ में जुड़े हुए हैं। खाली बीज ही वृक्ष नहीं बनता, उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए पानी भी चाहिए, उसके लिए खाद भी चाहिए, उसके लिए सूरज की किरणें भी चाहिए, बहुत सारे निमित्त मिलते हैं तब जाकर के वो बीज वृक्ष बनता है। हमारे लिए भी इस दुनिया की बीज के साथ में इस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तब जाकर के ये जीवन पूरा आ जाता है।